वेलकम बैक टू आवर लाइफ स्टाइल एंड मैं हूँ आभा। मेरी शक्ल पे बिल्कुल मत जाना आज, क्योंकि कल मैं यहाँ पे पहुँची हूँ। यस, मैं आ गई हूँ डिफरेंट लोकेशन, और इतना मैसी घर है आने के बाद। सिर्फ और सिर्फ मैंने कल सोने का काम किया है। शाम को उठी थी मैं 6:30 बजे, अगेन खाना खा के फिर सो गई। तो मैं एक लुक तो देना बनता है घर का। तो अभी टच वुड वेदर थोड़ा सा ठीक है। कल जब हम आए थे तो एसी भी थोड़ा काम नहीं कर रहा था, यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा था, आई डोंट नो क्यों। फिर जैसे तैसे चल गया, इसकी सर्विसिंग करानी है, बट बिकॉज ऑफ COVID-19 अभी हम डिले करेंगे इसको। काम बस चलता रहे वही काफ़ी है आज। लेकिन थोड़ा सा क्लाउडी मौसम है यहाँ पे। और कल के बाद सुबह से जो मैं उठी हूँ, अभी जो टाइमिंग हो रही है 12 बज गए हैं और ब्लॉग अब स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि जो भी बेसिक से काम निपटाते जाऊँ मैं। तो अभी ये जो और यहाँ पे बालकनी का, बड़ी बड़ी बालकनी आज ही वाली क्लीन कर दी है हमने, क्योंकि एटलीस्ट एक बालकनी ऐसी होनी चाहिए जहाँ बैठ सकें। और यहाँ बहुत सारी घड़ियाँ हैं, दिखाती हूँ आपको। साथ ही साथ ये वाला रूम पूरा थोड़ा सा क्लीन किया है मैंने। मैं बिल्कुल भूल गई कि मुझे मॉर्निंग से ये सारा क्लीनिंग व्लीनिंग क्या, घर में जब काम होता है ना तो लिटरली व्लॉगिंग तो क्या ये लगता है पहले ख़त्म हो। ये सारा धोने का स्टफ है पूरा, क्योंकि ये बाहर छोड़ के गई थी 7 मंथ्स बाद ये घर खोला था। और ये है कचरा, ये भी दिखाना बनता है। ये देखो आप, जैसा कि आपको पता है पूरा वुड का काम चला था मेरे घर में जब हम लास्ट समर आए थे। तो सिर्फ काम करा के मैं यहाँ से चली गई थी। ये सारा कचरा एक बार पूरा फेंक दिया था, मतलब डिस्पोज ऑफ किया था, उसके बाद फिर से ये सब भरा पड़ा है। और दिखाती हूँ आपको नेक्स्ट रूम। चल रहा है कॉल, उनका स्टार्ट होता है ऑफिस। ये सारे बैग्स जिनको भी अंदर रखना है, मेरे पीछे ये सारे गद्दे। जब हमने यहाँ पे गृह प्रवेश की पूजा कराई थी उस टाइम पे ये गद्दे मंगवाए थे टेम्परेरी, कि पूजा में लोग आएंगे तो बैठेंगे, इसलिए ये वाले गद्दे मंगवाए थे मैंने। यार नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, ये बात करे जा रहे हैं तो यहाँ पे मैं म्यूट करती हूँ, सिर्फ दिखाती हूँ वॉइस ओवर। लोकल मार्केट इतनी एंड सबसे ज़रूरी चीज़ ये है मेरी किचन, जो पूरी बर्तन वर्तन धो के रखे हैं अभी। और ये आपको पता होगा कि मैंने किचन बनवाई थी, हाँ, और उसके बाद ये जो है ना इसका लैमिनेशन है, ये भी हमने नहीं निकाला है। और मैं अभी इसको निकालने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि काफ़ी सारा सा काम है अभी, तो इसलिए गंदी हो जाएगी नीचे पूरा। ये गंदा गंदा सा जो है ना, इसकी लैमिनेशन एक बार हो गई है निकालने की है। और माइक्रोवेव, सॉरी 12:30 नहीं, टाइम हो रहा है 1:30 बजे का। ये देखो, और ये बाहर पूरा अभी सामान पड़ा हुआ है एज इट इज़। एंड और जो सामान है बचा कुचा वो आने वाला है। और आज का काम तो ऐसा लग रहा है मुझे ख़त्म होकर नहीं देगा। बहुत सारा काम है घर में जो कि भी करना है, कोई हाउस हेल्पर नहीं है, हम दोनों मिलके करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे केसेस ज़्यादा हैं। सो यहाँ पे आने के बाद जो सबसे पहला काम था वो था घर की क्लीनिंग, बिकॉज़ घर इतना ज़्यादा गंदा हो गया था कि बिल्कुल रहने लायक नहीं था, मकड़ी के जाले और बहुत ही ज़्यादा गंदा था। एंड गाइज, आने के बाद हमने अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन भी किया है घर में ही, हमें बिल्कुल बाहर नहीं जाना है। तो एक ये भी रीज़न है कि घर में रह के सारे काम कर लेना ज़्यादा बेटर है उसी टाइम ड्यूरेशन में। टच वुड हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ठीक हैं, बट प्रिकॉशंस लेना तो ज़रूरी होता ही है। तो वही चल रहा था अभी। एंड यहाँ पर आप देख रहे हो घर की कोने कोने की सफाई करने में जब हम लगे, तो एक जगह की सफाई करना शुरू हो रहा था तो वो ख़त्म ही नहीं होके दे रहा था। हम दोनों एक जगह जहाँ भी काम के लिए लग रहे थे वही पूरा चल रहा था। तो आते ही मैंने ये एक दिन पहले बेडशीट वगैरह दूसरी डाल दी थी, देन फिर मॉर्निंग में चेंज करी है। और काफ़ी सारे ऐसे काम होते हैं जो आपको किसी ना किसी को बुलाना पड़ता है, लाइक ग्रॉसरी हो गया, कुछ खाने की चीज़ें हो गई, तो उसके लिए भी हमने कुछ कुछ चीज़ें ऑर्डर करी हुई हैं जो ऑलमोस्ट आधे घंटे में आ जाएगी। और ये आप देखो बालकनी, यहाँ पे 3 बड़ी बड़ी बालकनी हैं और तीनों की क्लीनिंग हमने सेम डे सोचा कि एटलीस्ट साफ़ करेंगे तो अंदर डस्ट नहीं आएगा। तो वन बाय वन ये है दूसरी मॉर्निंग में जो एक बालकनी है वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ये जो आप देख रहे हो सारे लास्ट टाइम के अग्रवाल एंड पैकर्स के आधे से ज़्यादा बॉक्सेस चले गए थे एंड कुछ फिर भी रह गए थे, तो जो हमने लास्ट में खोला था तो उन्हें यहाँ पर स्टोर कर दिया था।
तो यहाँ पे कोई रहता नहीं है, बीच में बारिश वारिश की वजह से पूरा कचरा जाम हो गया था, तो इसको भी हम यहाँ पे क्लीन करने के लिए लगे हैं कि साथ ही साथ सारा क्लीन कर दें। और अब आप देखोगे कि यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो छोटे छोटे बेबीज, ये पिजन के, जब हमने पूरा क्लीन कर दिया तो यहाँ पे इतनी हाइट में कबूतर ने बच्चे दिए थे, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो यहीं पे हमने रोक दिया कि भाई अब नहीं करना है क्लीनिंग। एंड जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ तो गाइज इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, आपको दूसरे व्लॉग में दिखाऊंगी मैं इनको। और आप लोग भी कैसे, घर में ही रहिए, बाहर बिल्कुल मत जाइए जब तक ज़रूरत ना हो। दिल्ली की हालत तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है कोविड को लेके। एंड ये आप देख रहे हो घर में इतना ज़्यादा मैस जो है हमें करते हुए, ऑलमोस्ट इसको 2-3 दिन लग गए थे तब जाके पूरा सेग्रीगेट कर पाए। और पीछे आप देख रहे हो वो हमने जहाँ पर चिड़िया के बच्चे थे उन्हें एज इट इज़ कवर करके छोड़ दिया, और ये बालकनी हमने क्लीन भी नहीं की है। अब ये जब तक अभी जब मैं एडिट करने बैठी हूँ तब क्लीन हो चुकी है, लेकिन जब हम ये क्लीन कर रहे थे तो 2 दिन इसी तरह से छोड़ दी। और धीरे धीरे बाकी घर के सारे काम, टीवी भी था यहाँ पे पैक काफ़ी टाइम से पड़ा था, तो सोचा इसको भी लगा देते हैं। टाटा स्काई तो नहीं, बट ये कनेक्ट हो जाता है डेटा से, तो उससे ही भी हम चलाने की कोशिश करेंगे। अभी कोई किसी को भी घर में अननेसेसरी बुलाना इतना सेफ़ नहीं है, तो मोस्टली हम अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना हो सकता है उतना बेटर है हमारे लिए भी और जिसे हम घर बुलाएंगे उसके लिए भी। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड खुद ही ट्राई कर रहे हैं कि ये असेंबल हो जाए, तो ये लास्ट में अच्छे से लग भी गई थी टीवी। और कम से कम इतने टाइम बाद मैंने टीवी देखी, मुझे टीवी का बिल्कुल शौक नहीं है गाइज, मैं देखती ही नहीं हूँ टीवी, बिल्कुल क्रेज़ नहीं है इस चीज़ का, बट इतने टाइम बाद जब टीवी ऑन हुई तो मुझे लगा कि हाँ। और स्पेशली बैंगलोर में मैंने अपनी टीवी को बहुत ज़्यादा मिस किया, तो मैं मेरे हस्बैंड का जो ऑफिस का डेस्कटॉप था उसमें ही देखती रहती थी कुछ ना कुछ, तो कुछ इस तरह से कर रही थी। तो ये मेरा टीवी भी ऑलमोस्ट यहाँ पे रेडी हो गया है, तो धीरे धीरे सारे काम कर रहे हैं अब हम दोनों की, जैसे भी हो सके कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। सो गाइस इतना सारा जो सामान है वो अभी मैंने जो बिग बास्केट से सामान आया उसे इसी तरह से छोड़ दिया है, अभी मैं यहाँ पे बिल्कुल यूज़ नहीं करने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा केसेस यहाँ पे हैं, और क्या दिखाने वाली थी मैं आपको, कुछ तो दिखाने वाली थी। हेयर वॉश किया है, मुझे बहुत सारे हेयर फॉल हुए हैं, मतलब जितना काम मैंने दिखाया है उससे कहीं ज़्यादा हुआ है। आधी चीज़ें तो मैं करने के चक्कर में ही नहीं दिखा पाई। ये सारे कपड़े मशीन लगा दी थी, ऑलमोस्ट सूख चुके हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। दोनों ब्लैंकेट 7 मंथ से ऐसे ही बाहर डाल के रखे थे, आने के बाद धूल, लिटरली खांसी हो रही थी इनको अंदर अगर हम रूम में रख रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पटका है। ये पूरा एक बॉक्स पूजा का सामान है जो एज इट इज हम छोड़ के गए थे, पूरा निकाला ही नहीं था हमने, जो जरूरत थी वही पहुंच गई थी वहां पे। और कबर्ड कुछ चीजें मैंने आके बस भरी हुई हैं, क्योंकि ये सारे बॉक्सेस खाली नहीं किए थे जब पहली बार हमारा शिफ्टिंग होके आया था। जो लोग शुरू से ब्लॉग देखते हैं उन्हें पता है, और जो नहीं देखते उनके लिए बता दूं कि हमने अपने घर में जब शिफ्ट किया था तो मैंने अनबॉक्सिंग भी नहीं की थी काफी सारी चीजों की। तो ये आप देख सकते हो ऊपर से सिर्फ मैंने इनको रख दिया है अपनी जगह पे। ये कुछ कुछ चीजें हैं कि मेरा अभी जो और भी वहां से सामान आने वाला है तब होगा मेरे घर का फाइनल फाइनल वाला सेटअप। और एक और ट्रेजेडी हुई है कि सामान हमारा, ओह माय गॉड मैं थक गई हूँ लिटरली, सामान हमारा, और यहाँ भी मेरे पास कोई ट्राईपॉड नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो सामान में आने वाला था। सामान मुझे रिसीव हो जाएगा, जल्दी हो जाता, बट अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है क्योंकि सामान वाले जो जो लगेज वहाँ से लेके आ रहे हैं, तो लास्ट टाइम हमने अग्रवाल पैकर एंड मूवर से करवाया था, इस बार कोई और कंपनी हायर करी थी जो सामान पैक करते हैं, तो उन्होंने अपना कोड चेंज कर दिया था बिकॉज ऑफ हमारे जो बॉक्सेस हैं वो थोड़े से ज़्यादा हो गए थे, तो उसके पीछे थोड़ी सी कुछ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, क्यों हुआ क्या हुआ तो वो। और गाइज यहाँ पे सीरियसली बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, वहाँ पे मैं आपको हमेशा दिखाती थी लिटरली ठंड होती थी। ये मुझे छोटे छोटे थे ब्रेकआउट्स होने शुरू हो गए, गोल्ड की एक चेन डाली थी वो भी निकाल दी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी थोड़ा भी पसीना आना स्टार्ट होता है ना स्वेटिंग, और उससे जो रुकता है उससे दाने होने शुरू हो जाते, तो ये चेन की वजह से यहाँ पे थोड़े से दाने हो गए। और इतने सारे काम में फुल्ली थक चुके हैं हम, और काम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। फाइनल काम तभी ख़त्म होगा जब वो वाला सामान आ जाएगा। और मेरे फेस में बहुत थकान और थोड़ा डल टाइप का ये वाला व्लॉग गया है, आई होप अब जो नेक्स्ट मैं डालूंगी वो फुल एनर्जेटिक और अच्छा वाला व्लॉग डालूंगी, क्योंकि अभी आप समझ सकते हो कि घर में हम कोई हाउस हेल्पर कोई हेल्पिंग हैंड नहीं ले सकते हैं, बट कुछ कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जैसे कि एसी,
गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और एसी बिना काम नहीं चलेगा। हमने यहाँ पे आके एसी न्यू लगवाया था, तीन उसकी सर्विसिंग थी जो करवानी थी बीच में, वो भी नहीं हो पाई। तो अब हम जो भी होगा पेड होगा, जो भी होगा सर्विसिंग के लिए कोई बंदा ज़रूर बुलाना पड़ेगा, अदरवाइज़ एसी के बिना काम नहीं चलेगा। उसमें कूलिंग नहीं कर रहा है, थोड़ा सा वाटर ड्रॉप हो रहा है अंदर साइड में, तो हमने यूज़ ही नहीं किया था, जब से लगाया है तब से वो ऐसे ही लगा हुआ है। तो चेक करने में नहीं आया, पता नहीं हो सकता है क्या उसमें क्या प्रॉब्लम है, तो वो कराना है। और क्या, आरओ पानी के बिना काम नहीं चल सकता, तो अभी हमने कंटेनर मंगा लिए हैं, नॉर्मल कैन जो यूज़ करते हैं वो वाले। आरओ में भी पूरी उसकी किट चेंज होनी है। तो ये कुछ काम जरूरी हैं जिनको बुला के हमें हेल्प लेके काम कराना ही पड़ेगा, अदरवाइज जितना हो सकता है वो हम दोनों खुद ही कर रहे हैं। पूरा कचरा, क्लीनिंग, डस्टिंग, जो भी है जैसे भी है, तो फुल्ली थक चुके हैं अभी। सो गाइज, ये ब्लॉग आई थिंक लंबा सा होने वाला हो गया है, आई थॉट कि ये थोड़ा लंबा हो गया है। तो मिलती हूँ आपको न्यू ब्लॉग के साथ, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और आप लोग भी घर में रहिए, सेफ रहिए, अभी केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, दिल्ली में सेकंड मुंबई हो रखा है, मुंबई के बाद दिल्ली की हालत बहुत ख़राब है, लिटरली ख़राब है यहाँ पे हालत। और यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा लापरवाह हैं, मास्क आप बिलीव नहीं करोगे यहाँ पे लगा के घूमते हैं, बस नोज़ कवर ही नहीं हो रही है। मैंने खुद देखे हैं ऐसे कुछ कुछ लोग, वैसे तो हम बाहर नहीं निकले हैं, बट नीचे यहाँ देखती हूँ शाम को एक दो लोग ऐसे ही दिखाई देते हैं। सो गाइज, जो भी है, वेल थोड़ा सा सेफ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे टाइम पे। तो मिलती हूँ न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।